एडीएस का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। तो इसका लोकेशन ये कहां पे होता है, माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, कहां पे होगा, माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। तो इसमें कैसा रिएक्शन होता है ना, कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव फोटो सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना। कहने का मतलब एटीएस के अंदर क्या होता है, क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस, क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस। तो आप इसको कह सकते हैं इसमें कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कैसा होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और फॉस्फोरिलेशन इसका मतलब क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या कहलाता है ना, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है ना, क्लियर। अब जरा हम देखिए बेटा, अगर एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकांड्रिया के अंदर हो रहा है तब इसके लिए क्या टर्म हम देंगे, फॉस्फोरिलेशन, है ना, या फॉस्फोराइजेशन। ठीक, लेकिन यदि एटीपी का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है तब हम इसके लिए क्या टर्म देंगे, फॉस्फोराइजेशन, क्या कहेंगे, फॉस्फोराइजेशन। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिलेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द फोटोफॉस्फोराइजेशन। बात किया ना। एक तो बेटा एटीएस क्या है, एटीएस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीएस में एटीपी कहां से बनता है, कहां से बनता है, NADH2 और FADH2 से। तो बेटा यह NADH2 और FADH2 क्या है, यह डॉलर के फॉर्म में एनर्जी है, किस फॉर्म में है, डॉलर के फॉर्म में। और जब तक इस एनर्जी को करेंसी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक एक किलो चीनी नहीं खरीद सकते हैं, है ना, चीनी खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में डॉलर डॉलर नहीं चलने वाला है, क्या चलने वाला है, इंडियन करेंसी। बात किया ना, तो इस डॉलर को करेंसी में कहां चेंज करेंगे, है ना, आरबीआई में, है ना। तो आरबीआई कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जरा इस फिगर को ऊपर वाला देखो बेटा, ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनेगा, है ना, जब दो पायरुविक एसिड बनेगा तो दो डॉलर बनता है, मतलब दो NADH2 बनता है, और दो पायरुविक एसिड से ना दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो उस समय भी दो डॉलर बनता है, मतलब दो NADH2 बनता है। बात किया ना, तो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनना क्या कहला, सॉरी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनना क्या कहलाता है, लिंक रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि लिंक रिएक्शन में दो NADH2 बना और ना पायरुविक सॉरी ग्लाइकोलिसिस में भी दो NADH2 बना। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक इसमें एंटर किया क्रेब साइकिल में, और जब क्रेब साइकिल में चलेगा तो दो बार क्रेब साइकिल चलेगा तो कितने NADH2 बनेंगे, 6 NADH2 और साथ ही साथ दो FADH2 बन गया। बात किया ना, तो ये सारे आप कह सकते हो ये डॉलर है, है ना, इंडियन मार्केट में इससे चीनी नहीं खरीदा जा सकता है, तब तक नहीं खरीद सकते हो जब तक इसको करेंसी में नहीं चेंज करोगे, है ना। अब क्या करोगे, ये सारे NADH2 FADH2 ATS में इंटर करेगा और इसके अंदर जो एनर्जी भरा है वह एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही एटीपी बनेगा इससे हम चीनी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं ना, देख चलो बहुत सारा चीनी मिलेगा। आगे जरा देखते हैं, तो बेटा एटीएस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना कैसे होता है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टोटल 9 सीरीज होते हैं। कितने सीरीज होते हैं, टोटल 9 सीरीज होते हैं, जिसमें से 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं और 5 साइटोक्रोम होते हैं, ठीक ना। वैसे ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स ETS में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 4 कॉम्प्लेक्स है ना सीरीज में होंगे और एक कॉम्प्लेक्स सीरीज के बाहर होगा। बात किया ना, एक जरा इस फिगर को देखो जरा ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब ETS है। ठीक, अब जरा देखो 9 सीरीज देखो, NADH2 FMN ना FADH2 यूबिकिनोन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। टोटल 9 सीरीज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7
हम बात करें तो पांच साइटोक्रोम होते हैं, यहां से लेकर के यहां तक क्या है साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम में पांच कंपोनेंट है, बी सी वन सी नस ए थ्री ए ए और ए टी, बात किया ना। ठीक, अब जरा देखें तो एनएडीएस टू इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, या क्या हुआ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक, अब जरा देखो एफएडीएस टू ये क्या हुआ कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब जरा देखो है ना, अब जरा देखो ना, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी वन को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, और साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ, बात किया ना। तो इस सीरीज में ना टोटल दो मोबाइल कैरियर होते हैं, कितने मोबाइल कैरियर, दो मोबाइल कैरियर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दो मोबाइल कैरियर, एक होता है यूवी किरण और दूसरा होता है साइटोक्रोम सी, है ना। तो बेटा यूवी किरण यह नॉन प्रोटीन मोबाइल कैरियर होता है, मतलब यह प्रोटीन का बना नहीं होता है, और साइटोक्रोम सी जो होगा यह मोबाइल, यह कैसा मोबाइल कैरियर होगा, यह प्रोटीनिशियस मोबाइल कैरियर होगा। तो आप याद रखेंगे टीटीएस में एक प्रोटीन मोबाइल कैरियर होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन मोबाइल कैरियर होता है। टीटीएस का नॉन प्रोटीन मोबाइल कैरियर कौन होगा, यूबी किरण, कौन होगा यूबी किरण। अब चलो हम आते हैं जरा साइटोक्रोम पर। तो बेटा यह साइटोक्रोम है, यहां से लेकर के यहां तक साइटोक्रोम होता है। तो साइटोक्रोम किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, किसका बना होता है आयरन, ठीक ना, क्लियर। तो सारे साइटोक्रोम आयरन के बने होते हैं, लेकिन साइटोक्रोम ए थ्री आयरन के साथ साथ कॉपर का भी बना होता है, किसका बना होता है कॉपर का भी बना होता है। तो साइटोक्रोम ए थ्री में आयरन और कॉपर दोनों होते हैं, बात क्लियर है कंफर्म। अब जरा यहां पे आ जाए, ठीक। तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पांच कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे NADH ना डीहाइड्रोजिनेज, सेकंड कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे FADH2, थर्ड कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे साइटोक्रोम बी और सी वन, और थर्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे AN A3, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कौन होगा एटीपी सिंथेज, कौन होगा एटीपी सिंथेज, है ना। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो जरा देखो साइटोक्रोम ए और ए थ्री को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्या कहते हैं बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ए और ए थ्री को कलेक्टिवली हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कह सकते हैं, ठीक। तो ईटीएस में है ना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, NADH2 से या FADH2 से आता है। NADH2 या FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन द ETS, ETS में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा NADH2 और FADH2 से, ठीक ना, क्लियर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETS, ETS में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा FMN, और या दूसरा हो सकता है यूबी किरण, डिपेंड करता है क्या करेंसी है, मतलब क्या डॉलर है, डिपेंड करता है इस पर NADH2 है कि FADH2 है। ठीक, अगर NADH2 है तो दूसरा कोई होगा, अगर FADH2 है तो दूसरा कोई होगा, बात किया ना। तो बेटा ना इलेक्ट्रॉन को ना फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन होगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को रिसीव करके क्या बनाएगा वाटर बना देगा, क्या बनाएगा जल, है ना, जल ही जीवन है, ठीक। तो जल बन जाएगा, चलो जल। तो फाइनल ATS का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है वाटर होता है, क्या होता है वाटर। मत करो ज्यादा जलाओ मत, नहीं तो सब जल जाएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी बताओ ये समझ आया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर ये बताइए कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो सर FMN वो कहां से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, FMN को कहां से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन का, या FMN कहां से उसको एक्सेप्ट करता है। तो अब जरा देख यहां पे देख ना NADH2 है ना, इधर देखो NADH2 है, NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो किस क्या बनेगा NAD+ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब वह इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, FMN में ही जाएगा ना, बोलो कहां गया FMN में गया, फिर उसके बाद कहां पे गया यूबी किरण में, यूबी किरण से कहां गया साइटोक्रोम बी FADH2 में नहीं जाएगा, यही तो चेंज होता है। अगर FADH2 से निकलेगा तो डायरेक्ट यूबी किरण में चला जाएगा, है ना, अगर NADH2 से निकलेगा तो डायरेक्ट
ना F1 में जाएगा और F1 से UB किनोन में जाएगा. तो यहां पे जरा देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है F1 या UB किनोन और डिपेंड करता है किसके ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. बात किया ना अभी जो है नेक्स्ट स्टेप बनाने जा रहे हैं उसमें सब क्लियर हो जाएगा. कितनी कहानी क्लियर है बोलो समझ आ गया बोलो जी हां. चलो आगे हम देखते हैं कैसे रिएक्शन या हो रहा है. चलो देखो बोलो इसमें